लगता है बारिश होने वाली है। कबीरा गति बढ़ाओ, 3 घंटे में तट पर पहुंच जाना चाहिए। अचानक ये बारिश कैसी? ऐसा सोचते हुए नाव से झुक कर देखने पर पानी के तल से एक बड़ी शार्क मछली जा रही थी। क्या तुम अभी भी जीवित हो? ऐसा सोचते हुए नाव के अंदर इंजन कक्ष में जाकर देखने पर अब्बू के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब्बू अब्बू ये क्या हो गया? अरे अरे सब लोग आओ! ऐसा चिल्लाने पर मार्ग से मीनू शेरू कबीरा भाग कर आते हैं। अब्बू के टुकड़े टुकड़े देख कर डर जाते हैं। कौन भाई, अब्बू के साथ ऐसा किसने किया? आज तिथि क्या है भाई? वो आज पूर्णिमा है भाई। वक्र स्वामी ने कहा था ना, हमें पूर्णिमा के दिन नाव नहीं चलानी चाहिए। हमारा नाव शापित है, भूल गया भाई? अब कैसे? केवल क्रीमर यंत्र ही बचा सकती है। मार्क्स, मीनू, नाव को वापस मोड़ो। कबीरा, शेरू, अब्बू को बोरे में बांधकर नाव से खून को साफ करो। ऐसा कहकर भागकर अपने बक्से में कपड़ों के नीचे एक लकड़ी का बक्सा निकाला, उसमें कपड़े में लपेटा यंत्र को एक लकड़ी में बांधकर नाव के ऊपर बांध दिया। तब काले बादल गायब हो गए और आकाश सामान्य हो गया। पानी में शार्क मछली गायब हो गई। पूर्णा ने राहत की सांस ली। सुबह होने के बाद यह रक्षा यंत्र केवल 8 घंटे ही काम करती है। अगर इस बीच हम किनारे तक नहीं पहुंच पाए तो समुद्री भूतों के हाथों सभी मारे जाएंगे। समुद्री भूत, वो क्या है? शेरू, तुम पहली बार इस नाव पर चढ़े हो ना, तुम्हें पता नहीं होगा हमारी नाव को शाप है। हाँ कबीरा सच कह रहा है, पूर्णिमा के दिन किसी भी परिस्थिति में समुद्र में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा करेंगे तो क्या होगा मार्कस भाई? हम समुद्री भूतों के हाथों मरेंगे। उन्होंने मुश्किल से पूरी रात नाव चलाकर 8 घंटे बीतने के पहले किनारे पर पहुंच गए। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि अब्बू को भूत ने मार डाला था, उल्टा हम पर शक करेंगे, इसलिए गांव में कोई भी इस बारे में किसी से बात नहीं करेगा। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे अब्बू हमारे साथ नहीं आया। पांचों ने एक ही बात पर अड़े रहकर अब्बू के शव को गांव के बाहर वीरान किले के पीछे गाड़ दिया। पांचों एक पेड़ के नीचे बैठकर, और कब भाई हमें हमारा खजाना मिलेगा? अब तक 15 साल हो गए हैं। 1 साल और रुकना होगा मार्कस। वक्रा ने कहा था ना, 16वां वर्ष रखवाली प्रेत का अंत हो जाएगा, तब ले जाएंगे, वरना हम भी बिक्कू की तरह मर जाएंगे। बिक्कू भी इसे पूर्णा के गैंग का सदस्य था। कुछ साल पहले वक्रा की बात को अनसुना करके अकेले ही खजाना के पास जाकर भूतों के हाथों मर गया। बिक्कू की जगह उसका बेटा शेरू गिरोह में शामिल हो गया। शेरू को पूर्णा के गिरोह के बारे में पता नहीं है। उनके पिता बिक्कू की मृत्यु के बाद आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होने के कारण पूर्णा की गिरोह में शामिल होकर बोट में शिकार पर जाकर पैसा कमाता था। एक दिन शेरू और कबीरा पैदल घर जा रहे थे। अगर हम एक और साल इंतजार करेंगे तो हमारी नाव शाप से विमुक्त हो जाएगी, हमारे खजाने की रखवाली कर रही भूत की पीड़ा खत्म हो जाएगी, तब हम अमीर हो जाएंगे। भूत, खजाना, आखिर वो श्राप क्या है मामा? तुम अभी छोटे हो, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हारे पिता के हमदर्द होने के नाते उसका भाग तुम्हें देने के लिए हम सब ने पूर्णा भाई को मना लिया। ये सब चुपचाप सुन रहे शेरू को एक बात समझ आई, पूर्णा गैंग के साथ मिलकर उनके पिता ने कुछ गलत किया है। वो समझ गया कि इन लोगों से सावधान रहना होगा। दिन बीतते जा रहे हैं। उस दिन पूर्णिमा होने के कारण पूर्णा लोग मछली पकड़ने नहीं गए थे, इसलिए शेरू समय का सदुपयोग करने के लिए अकेले ही समुद्र के किनारे जाल से मछली पकड़कर, बाजार में जिंदा मछलियों की कीमत अधिक होती है, इसलिए वो एक बर्तन में पानी डालकर उसमें मछलियां डालकर बगल गांव में बेचने जा रहा है। बगल गांव पहुंचकर चिल्लाना शुरू किया, जीवित मछलियां, जीवित मछलियां, समुद्री मछलियां, जीवित मछलियां। उन चीखों को सुनकर बगल गली से मीना दौड़ती हुई आई। जिंदा मछलियां कहाँ है, दिखाओ। ऐसा कहकर आश्चर्य से मछलियों को देखते हुए
उसके साथ खेलने लगी। आप इन मछलियों का क्या करेंगे? बाजार में बेचूंगा, जो खरीदेगा वो इसे घर ले जाकर पकाकर खाएगा। ओह माँ, मार डालेंगे। कृपया इन्हें मत मारो, मैं खरीद लूँगी। ठीक है, पूरे 8 मछलियों के लिए 20 रुपए दो। मेरे पास इतनी मछलियाँ नहीं है, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। तो 4 मछलियाँ ले लो। बाकी 4 मछलियों को जो खरीदेगा मार डालेगा, मैं बाकी पैसे कल दे दूंगी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये मेरी अंगूठी रख, तुम्हें पैसे देकर वापस ले लूंगी। शेरू को पहली नजर में ही मीना बहुत अच्छी लगी। मासूमियत और प्यार से पूछने पर ना नहीं कह सका और सारी मछलियाँ उसे दे दी। अंगूठी मत दो, लेकिन जब मैं दोबारा आऊँ तो बाकी पैसे दे देना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। उसने ऐसा कहा और चली गई। वो चुपके से पीछे जाकर मीना के घर का पता लगाकर पेड़ के पीछे से देखता है। मीना कुछ देर तक मछलियों को जी भर कर देख कर बर्तन से कुएं में डाल देती है। ओए मछलियाँ, मुझे नहीं पता कि समुद्र अच्छा है या नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। अगर कुएं में अच्छा न भी लगे तो रह लेना, रोज तुम्हें बहुत खाना दूंगी। शेरू को यह सब सुनकर आश्चर्य लगा। ये क्या, उनके गांव में कुछ ही दूरी पर समुद्र है और वो कहती है कि उसने कभी समुद्र नहीं देखा। यह सोचते हुए वो अपने गांव चला गया। अगले दिन वह नाव का काम छोड़कर एक बड़ा कांच का जार खरीद कर छोटी छोटी मछलियां पकड़ कर उसमें डालकर फिर से मीना के गांव चला गया। जीवित मछलियां, मछलियां, समुद्री मछलियां, जीवित मछलियां, आइए आइए। मीना के घर के सामने से चिल्लाते हुए घूमते समय मीना बाहर आती है और कांच के जार में मछलियां देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो किसी भी तरह उन मछलियों को जार से खरीदना चाहती है। वो सोच रही थी कि मछलियां कैसे खरीदा जाए। ये कांच का जार बिक्री का नहीं है मीना, मैं तुम्हें देने के लिए लाया हूँ। वो मीना को कांच का जार देकर चला गया। मीना उसे घर में रखकर मछलियों को देखकर खुश होती थी। जैसे जैसे शेरू और मीना एक दूसरे से मिलते रहते हैं, उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। शेरू, तुम रोज समुद्र देखते हो ना, समुद्र कैसा होता है? समुद्र की सुंदरता का वर्णन करना बहुत मुश्किल है मीना, मेरे साथ चलकर खुद देख लेना। अगर मेरी माँ को पता चला तो मुझे मार डालेगी, मैं नहीं जाऊंगी। मीना के पिता कुछ साल पहले मछली पकड़ने गए थे और वापस नहीं आए, केवल नाव में बहकर किनारे पर वापस आया। माँ अकेले ही मीना की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद एक दिन मीना की माँ अपने रिश्तेदार की शादी में पड़ोस गांव गई थी। मीना ने सिर्फ समुद्र के बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं, इसलिए शेरू के साथ एक छोटी सी कश्ती में समुद्र में गई। जब उसने अपने चारों ओर पानी देखा तो वह आंखें बड़ी करके खुशी से देखने लगी और पांव फिसलकर पानी में गिर गई। जब वो पानी में गिरी तो वह जलपरी में बदल गई, होश खो बैठी और पानी के तल में चली गई। बेचारा शेरू तुरंत पानी में कूद गया और चारों तरफ खोजा, लेकिन मीना का कहीं पता नहीं चला। वो रोता हुआ मीना के घर आया और जो कुछ हुआ सब कुछ बताया। ओह, ये क्या हो गया? इसलिए मैं किसी भी हाल में मीना को समुद्र की तरफ जाने नहीं देती थी, दरअसल वो मेरी बच्ची नहीं है बेटा। हमारी शादी के 10 साल बाद भी हमारी कोई संतान नहीं थी, हमने बच्चे पैदा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं भी अपने पति के साथ मछली पकड़ने जाती थी। ठीक 15 साल पहले किन्नर द्वीप के पास एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर द्वीप पर जाकर देखने पर चट्टानों के बीच एक नन्ही बच्ची थी, चारों ओर देखने पर कोई नहीं था। इतनी दूर बच्ची को कौन छोड़कर चला गया? उस बच्ची का ख्याल रखना, जब तक वो 18 साल की न हो जाए उसे किसी भी हालत में समुद्र में मत लाना। सावधान रहना, समुद्र को देखने पर बच्चे के लिए खतरा है। ऐसा कहने के बाद भूत हमारा पीछा तब तक किया जब तक हम किनारे पर नहीं पहुंच गए और गायब हो गई। तब से हम बच्चे का नाम मीना रखकर उसका पालन पोषण सावधानी से कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से अब मीना की जान पर बन आई है। माँ, किसी भी हाल में मीना का पता लगा कर आऊंगा, नहीं तो मैं भी उसे समुद्र में कूद कर मर जाऊंगा। ऐसा कहकर गुस्से से चला गया। वहाँ समुद्र के तल पर जलपरी में बदल कर बेहोश पड़ी है मीना। इतने समय बाद मेरी बलि को स्वीकार करने का समय आया है। आ रही हूँ, आ रही हूँ।
गर्भ मत्स्य, जाओ जाकर उसकी बलि ले लो। थोड़ी देर बाद मीना की आंखें खुली तो उसे कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है, इसलिए रो रही थी। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? शेरू कहाँ है? बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा नाम चंद्रिका है। कई साल पहले मनुष्य जाल लेकर हमारे द्वीप आए और हम दोनों को पकड़ लिया। तब तुम बहुत छोटी थी। मिल गई माँ, बच्ची। उन्हें ध्यान से बंदी बनाओ, वे जीवित चाहिए। वक्रा स्वामी, क्या अभी हमें खजाना मिल जाएगा? जल्दी मत करो, कुलविका को रक्त बलि देना होगा, फिर निधि के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। किन्नर द्वीप के पश्चिम में जाने पर लंका आएगी। उस लंका के नीचे करोड़ों का खजाना है, लेकिन उस खजाने की रखवाली कुवेलिका नामक एक शुद्र देवता द्वारा की जाती है। उसके रहते कोई उस खजाने को छू भी नहीं सकता। वो प्रसन्न होकर खजाने का रास्ता छोड़ने के लिए माँ बच्ची मत्स्य कन्याओं का बलि देना होगा। ऐसा वक्रा नाम के तांत्रिक के बताने पर पूर्णा नाम का व्यक्ति अपने गिरोह के साथ आकर हमें बंदी बनाकर कुवेलिका, कुर नेत्र, अप्रेत सागर, तंत्र, जल समाधि रास्ता, कुतंत्र मंत्र पढ़कर काला पानी देने पर छिड़क कर नाव को यहीं रोको, समुद्र में कुवालिका का रहने का स्थान नहीं है। उसने मेरी बलि लेकर खून को समुद्र में डाल दिया। तुम्हें बलि देते समय जोरों की आंधी आने के कारण नाव के हिलने से तुम पानी में गिर गई। तुम पानी के तल में चली गई थी। मैं मरने के बाद आत्मा बनकर तुम्हें वहां से उठा ले जाकर किन्नर द्वीप में छिपाकर तुम्हारी रखवाली करते समय वहां पर आए दो पति पत्नी को तुम्हें सौंप कर वहां से भेज दिया। उन्होंने तुम्हें कुवेलिका को बलि चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, इसलिए कुवेलिका तुम्हारे समुद्र में खत्म रखते ही तुम्हारी बलि लेने का इंतजार कर रही थी। मुझे प्रेत शक्ति केवल पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त होती है। शेष दिन कुवेलिका उनकी रक्षा करती है, इसलिए उन्हें मार नहीं पा रही हूँ। मेरे मरे 16 वर्ष के बाद मेरी आत्मा की आयु पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगी। तब फिर एक और माँ और शिशु जल परियों की बलि देकर खजाना हासिल करने के लिए उन लोगों ने जल परियों को नाव में निचले हिस्से में एक टैंक में बंद कर दिया है। उनमें से एक ने मुझे बंदी बनाने के लिए बेचारे अकेले मछली पकड़ रहे हैं। तुम्हें पालने वाले पिता की पूर्णिमा के दिन बलि दे दी, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कर सका और वो खुद मर गया। इसलिए तुम्हें पालने वाले माता पिता को मैंने बताया कि जब तक तुम 18 साल की न हो जाओ, तुम्हें समुद्र में न आने दें। जब वो ये सब बता रहे थे, मीना की तलाश में शेरू वहाँ आया। मीना, मीना कहाँ हो? मीना! शेरू, मैं यहाँ इस द्वीप पर हूँ, इस तरफ आओ। मीना ने वो सब कुछ शेरू को बताया जो भूत ने कहा था। क्या इन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची है? मछली पकड़ते समय तुम्हारे पिता ने कुवेलिका को उनकी बलि चढ़ा दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता इतने दुष्ट थे। मेरे पिता ने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर देना मीना। तुम्हारे पिता बीकू को पूर्णा के गिरोह ने ही कुवेलिका को बलि चढ़ा दी, अब्बू को मार डाला। मुझसे क्या करवाना चाहती हो? भूत ने उन्हें बताया कि क्या करना है और उनके नाव का पीछा करते हुए उन्हें किनारे तक छोड़ दिया। अगले दिन पूर्णा लोगों के साथ अनजान मरकर गांव में मछली पकड़ने गया। जब कोई नहीं देख रहा था तो वह चुपचाप नाव के निचले कमरे में गया और इंजन में रेत डाल दी। इंजन से धुआं निकला और वह क्षतिग्रस्त हो गया। नाव भी समुद्र में रुक गई। इन सबसे अनजान पूर्णा तांत्रिक वक्रा से बात कर रहा था। यही आखिरी साल है। ये साल आषाढ़ चतुर्थी के दिन कुवालिका को एक बलि दी जानी चाहिए। पिछले साल हम में से एक उस बीकू की बलि चढ़ा दी, उससे पहले कोई अकेला नाविक को, फिर आज किसे? और कौन? उस बीकू के बेटे शेरू की इसलिए उसे हमारे गिरोह में रखा। ये क्या,
नाव रुक गई? नाव रुकी हुई थी, इसलिए नीचे जाकर देखने पर इंजन खराब हो गया था। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इंजन चालू नहीं हुआ, नाव नहीं चली। सभी लोग सारी रात नाव में ही सो गए। वे राह देख रहे थे कि कोई उनकी सहायता के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह हो गई। वक्रा उठते उठते ही, पूर्णिमा की घड़ी आ गई है, उस भूत से हमारी रक्षा कुवालिका नहीं कर सकेगी, जल्दी जाकर किरमिरा रक्षा यंत्र ले आओ। पूर्णा भाग कर अंदर गया और देखा, लेकिन उस बक्से में पोटली में यंत्र नहीं था। तब तक शेरू ने उस यंत्र को समुद्र में फेंक दिया था। एक बड़ी शार्क पानी के नीचे जा रही है। मंदी बनाए गए दोनों जलपरियां नाव में नहीं थी। शेरू एक छोटी सी कश्ती पर सवार होकर चले जा रहा था। भूत ने आकर सबको मार दिया। ये दुष्ट मर गए, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। बेटी मीना, जब तक तुम समुद्र में नहीं उतरती तब तक तुम एक साधारण मनुष्य हो, समुद्र में उतरते ही जलपरी बन जाओगी, सावधान रहना। ऐसा कहकर गायब हो गई। कुछ समय बाद मीना और शेरू ने शादी कर लिया। मीना, वैसे भी तुम जलपरी हो ना, समुद्र के तल में छुपी खजाने का रास्ता ढूंढे क्या?